नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया में आज पोंथा रानी के लिए न्याय मांग रहे हैं लोग। कौन है पोंथा रानी और आखिरकार एक वो बेटी, एक वो लड़की पोंथा रानी जो कि बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कोम्बत और एक जगह है वहाँ की पढ़ने वाली मात्र 12th क्लास की एक छात्रा थी। और उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए आज सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड चल रहा है कि जस्टिस दो पोंथा रानी को। आपको डिटेल में बताएंगे, एक शक्ल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इसको ब्लर इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी उम्र मात्र 17 साल है और हम आपको इसकी फोटो दिखा नहीं सकते। बकायदा ट्विटर पे इसकी फोटो वायरल है पर हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि रूल्स फॉलो करने चाहिए। बता दिया जाए आपको कि पोंथा रानी हमारे बीच आज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जाने की वजह जो बताई जा रही है वो बहुत ही गंभीर है। एक जो सर थे जो 11th और 12th क्लास को फिजिक्स पढ़ाते थे जिनका नाम मिथुन चक्रवर्ती बताया जा रहा है और ये वही स्कूल के टीचर थे जहाँ पर पोंथा रानी पढ़ती थी, इनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं। ये पूरा मामला क्या शुरुआत से हम समझते हैं। बताया जा रहा है कि इस समय सोशल मीडिया पर लगातार जस्टिस मांगा जा रहा है पोंथा रानी को लेकर। कहा जा रहा है कि उसी स्कूल के टीचर जिस स्कूल में पोंथा रानी पढ़ती थी उसी स्कूल के टीचर ने पोंथा रानी के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जिसके बाद पोंथा रानी ने आज वो कदम उठा लिया और घर का पंखा यूज करके वो सबको छोड़ के चली गई। ऐसा क्यों किया पोंथा रानी ने? बताया जा रहा है कि पोंथा रानी के जाने के बाद ये बातें सामने निकल के आ रही हैं। एक 12th क्लास की छात्रा के साथ उसी के स्कूल के टीचर ने करीब अप्रैल 2021 को जब स्पेशल क्लासेस के बहाने उसको बुलाया स्कूल में और स्कूल में बुलाने के बाद कई सारी चीजें की गई और उन चीज़ों में आप समझ सकते हैं कि क्या किया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें की गई जिसके बाद वो बेटी ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि परिवार ने शिकायत करी तो शिकायत जाने के बाद स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनका तबादला किया गया और साथ में उस टीचर को भी स्कूल से निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि कोम्बतूर जो पड़ता है तमिलनाडु में वहाँ के आरएसपुरम एरिया में स्कूल है, जो कोम्बतूर आरएसपुरम एरिया में उस एरिया के स्कूल में पढ़ती थी बेटी, पर आज ये हमारे बीच नहीं है। जाने की वजह कहा जा रही है कि 2021 में अप्रैल के महीने में स्पेशल क्लासें रखी गई थी जो कि बोला जा रहा है कि जो फिजिक्स के टीचर थे मिथुन चक्रवर्ती उनके द्वारा रखी गई थी और ये बहाने से बुलाया गया और अप्रैल 2021 को बेटी के साथ कुछ ऐसा किया गया। और एक बार नहीं, कई बार उसने परेशान होकर शिकायत भी करी। शिकायत होने के बाद टीचर को निकाला गया पर उस बेटी के दिमाग से वो बातें निकल नहीं रही थी और वो नहीं निकलने के कारण उसने एक गलत स्टेप उठा लिया जिसके बाद वो हमारे बीच नहीं है। आज कहा जा रहा है कि कोम्बतूर के हर स्टूडेंट और हर उस बेटी का फ्रेंड आज रोड पे प्रोटेस्ट कर रहा है, उस बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। पर ये पहली बार नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में फिजिक्स के टीचर को अरेस्ट करने की मांग उठी थी और उसको अरेस्ट भी किया गया था। पर अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने वहाँ के थानों के आगे जाके प्रोटेस्ट किया और बोला कि इस पूरे मामले में कार्रवाई सही से नहीं की जा रही है, सही से की जाए क्योंकि अभी एक ही शख्स को अरेस्ट किया गया है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिसकी शक्ल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वही फिजिक्स का टीचर है जिनका नाम मिथुन चक्रवर्ती है। इनके ऊपर गंभीर आरोप लग चुके हैं, साथ में प्रिंसिपल को भी अरेस्ट करने की मांग चल रही है। प्रिंसिपल की भी शक्ल आपके सामने है। अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। पर सवाल ये उठता है, ये पहला मामला नहीं है जहां पर किसी टीचर ने ऐसा किया हो। आपको याद दिला दूं, करीब आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि पंजाब के एक पिंड की थी, पंजाब के एक विलेज की एक वो वीडियो डाली थी मैंने। उस न्यूज़ को कवर किया तो पता लगा कि वहाँ की जो एक बेटी थी जिसने एक ऐसा कुछ स्टेप उठाया तो उसी स्कूल के एक टीचर ने उसके साथ ऐसा ही कुछ किया और उसके बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया था। आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को भी। पर सवाल यही है कि ये पहली बार नहीं हुआ, कब तक ऐसा चलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक परिवार के जो लोग हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लगातार परिवार के लोगों की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। तमिलनाडु की जो तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज में ये न्यूज़ ज़्यादातर कवर हो रही है, इसीलिए मैंने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर जब जाके पढ़ा तो मैं भी शौक था कि आखिर कई जो चीज़ें निकल के आ रही हैं क्या ये सही है। और साथ में जब पढ़ने के बाद पता लगा कि उसकी उम्र मात्र 17 साल थी और वो 12th क्लास की छात्रा थी तो पता लगता है कि ये सब हो रहा है आज भी। पर इनको सवालों का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब क्या सरकार देगी? क्या ये जो हो रहा है ये रुकेगा? सोचिए, लोग कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए तो वो कभी गलत नहीं करता। यहाँ पर तो वो शिक्षक है, यहाँ पर तो वो पढ़ा लिखा इंसान से भी ज़्यादा एक गुरु माना जाता है उस शख्स को, उसके ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगना। मतलब क्योंकि बेटी चली तो गई पर बेटी जाने से पहले एक नोट छोड़ के गई है, उस नोट में वो दो लोगों का नाम लिखी गई है जिसमें
एक वो फिजिक्स का टीचर है, दूसरा वो स्कूल के प्रिंसिपल है। अब क्या प्रिंसिपल को पकड़ा जाएगा? क्योंकि जब एक खुद बेटी नोट छोड़ के जाती है साइड नोट, तो उससे बड़ा प्रूफ मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। अब देखने वाला विषय ये होगा कि सोशल मीडिया पे आज टॉप में जो ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर पौंथा रानी, इस बेटी को कब न्याय मिलेगा। देखने वाला विषय होगा, हम भी टेंशन बना के रखें कि आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा और कब उस बेटी को न्याय मिलेगा। क्या आप उस बेटी को न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे? डेफिनेटली आपका एक कमेंट जरूर यहाँ पर हौसला बढ़ाएगा, और आपके कमेंट्स ही, आपकी बातें ही यही बताएंगी कि इस पूरे मामले को हमको और उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखते हैं कि इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं, कितना इस वीडियो में कमेंट्स करके आप भी उसके लिए थोड़ी सी चिंता जताते हैं, ताकि आपकी चिंता बता सके कि आप हर देश की बेटी को अपनी बहन मानते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।